मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। तो आज हम अपनी क्लास 5 का चैप्टर 13 स्वामी की दादी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्वामी है इस पार्ट में बताएंगे कि वो कौन है और उसकी दादी के बारे में बताए। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरी गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच में क्या है, जो कम हवादार मतलब जहाँ हवा ज़्यादा नहीं जाती, और अंधेरे गलियारे की बंद सी अंधेरे और बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान क्या था, 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकिया वाला भारी भरकम बिस्तर, ठीक है। और क्या था, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा, पटसन अर्थात जूट, ठीक है, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी भी पड़े रहते थे। क्या, तो क्या लकड़ी का एक छोटा बक्सा भी था जिसमें तांबे के सिक्के थे, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। अब क्या बोला उनने, रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो बोल रहे कि रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन क्या था, दादी के पास उनकी गोद में सिर रख के लौंग इलायची की गंध भरे हुए वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजन कितनी ऊँची चीज़ है। वो कहते कि दादी, क्या तुम नहीं जानते कि राजन कितनी ऊँची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि के पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी बताई, राजम और मणि की, ठीक है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, बोलती कि क्या तुम्हें पता है उसके पास क्या है, सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन ने बोला। तो उसकी दादी ने बोला, सच, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। तो कहते क्या, उसके पिता क्या हैं, पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक मतलब निरीक्षक, जो सुपरिंटेंडेंट बोलते हैं ना, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो हैं, वो पुलिस निरीक्षक हैं, वो यहाँ के पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं, ठीक है। दादी बहुत प्रभावित हुई उसकी बात से, काफ़ी प्रभाव पड़ा दादी पर, उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, वो बोलती हैं, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो वो उनकी दादी किसकी, उसकी, स्वामीनाथन की दादी उन दिनों की कहानी सुनाती है जब स्वामीनाथन के दादा क्या थे, रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिन्हें दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, ठीक है। रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, उनसे डरकर खुखार से खुखार डाकू भाग जाते थे। क्या बोल, कौन बोलता है ऐसा, स्वामीनाथन की दादी। स्वामीनाथन अधीर होकर, मतलब अधीर था, धैर्य खोना, ठीक है, उन पर धीरज नहीं था वो, और कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन दादी बोलती गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं की गड़बड़ करती हुई, मतलब उनकी दादी बोलती गई कहानी स्वामीनाथन की, इधर उधर भटकती हुई, इधर उधर मतलब आगे पीछे करते हुए और अलग अलग समय की घटनाओं में गड़बड़ी करती हुई, ठीक है, गड़बड़ अर्थात गड़बड़ी। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा, उसने बोला बस दादी, अब बहुत हुआ, और चिढ़ गया था, ठीक है। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। तो बोलता है अपनी दादी से कि मैं आपको राजम के बारे में बताना चाहता हूँ, पता है आपको कि उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। तो उसकी दादी ने पूछा, सारे नंबर मिलते होंगे, है ना। तो कहता है, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह लाने चाहिए, तुम्हें पता करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों की भी चकित कर देते थे। वो कहते कि तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी ऐसे ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षक जो होते थे वो भी पागल हो जाते, मतलब वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। कहते किसी भी जवाब का सवाल देने में वो दूसरे के हिसाब से बहुत कम वक्त लेते, और उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर भी दे देते थे। जब उन्हें MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल भी मिला था। उनकी दादी कहती, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई तब शायद, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता, वो बोलती हैं, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। वह मेडल, ठीक है, तो पता है वह मेडल अब कहाँ है, उसकी दादी बोलती है। तो कहती है, मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उसे बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा करती रही हूँ कि हमारे परिवार में जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। कि क्या कहते हैं, कहती कि मैं कह रही हूँ
मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसे महामूर्ख क्यों कोई भी नहीं है जिसने इतने मोटे मेडल के बदले चार पतली सी चूड़ियाँ बनवा ली, वो भी मामूली। अब बस भी करो दादी, कौन बोलते स्वामीनाथन, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम्हें राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो वो बोलती है हाँ हाँ बोलो दादी। अब राजम छोटा सा लड़का था और उसने शेर मारा था, वो कहती है जब राजम छोटा सा बच्चा था तो उसने क्या था शेर को मारा था। तो वो कहती हैं कि सच बहुत बहादुर लड़का है। तो कहते तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बहुत उत्साह से कहा, मतलब वो बहुत जोश में था और उसने कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे तो राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिराया तो दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वह से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी क्या तुम सो गई, वो बोलता है स्वामीनाथन। उसने कहानी खत्म होने पर पूछा, वो कहती नहीं बेटा मैं सुन रही हूँ। तो कहता अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? दो शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी की गलत जवाब से चिढ़ गया, ठीक है। वो कहता मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। उलझुल अर्थात ऊटपटांग, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, वो बोलता अपनी दादी से। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। कहते नहीं नहीं वह तो बहुत प्यारा लड़का है। फिर वो बोल दादी ने बहुत विश्वास से कहा, उन्होंने राजम को देखा भी नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही पल उसके मन में एक नया शक पैदा हुआ, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो कहते मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने मीठे स्वर में बोला। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई लेकिन उसे चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। वो कहता है जो भी उसे झूठा बोलेगा वो उसे क्या होगा गोली मार देगा, मतलब उसको चेतावनी देता है धमकी जैसी, ठीक है। दादी ने इसका समर्थन किया, दादी ने इस बात से सहमत होते हुए कहा और हरिश्चंद्र की कहानी सुनने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन पत्नी और बच्चों को भी खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया था। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खरोटे लेने लगा, मतलब स्वामीनाथन क्या हो गया सोने लगे। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई, ठीक है। तो ये क्या आर के नारायण की कहानी है, किसने लिखा है? आर के नारायण ने, ठीक है। चलिए अब हम कहानी से आगे पढ़ते हैं। सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उससे खुश करने के लिए कही, क्यों लगा? देखिए राजम बहादुर लड़का क्यों लगा उन्हें, क्यों? क्योंकि उसने स्वामीनाथन ने उन्हें बताया था अपनी दादी को कि क्या हुआ, राजम ने क्या करा था, एक शेर को गिरा दिया था, जब वो शेर को मार गिराया था। और उसे ऐसा भी लग रहा था स्वामीनाथन को कि उसकी दादी उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही है, ठीक है, और करेगी भी कैसे, क्योंकि अब शेर को मार गिराना कोई इतनी छोटी सी बात तो है नहीं, है ना। तो दादी ने ये बात खुश करने के लिए बोल दी उसे। किसको खुश करने के लिए बोल दी? दादी ने ये बात उसे खुश करने के लिए कही लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी, इसलिए लगा, ठीक है। राजम बहुत बहादुर लड़का है। ये मेडल में चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? मेडल से चूड़ियाँ लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी के एमए करने पर मिला था, वह उनकी सफलता की निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसे तोड़वा कर चूड़ियाँ बना ली, वो भी साधारण सी। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य में लिखो। अच्छा तो आपको बोले कि पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव या उनके व्यक्तित्व के आदतों के बारे में आपको क्या पता चलता है, एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखना है। आपको स्वामी क्या है? एक छोटा सा बच्चा, वो अपनी दादी के साथ बहुत खुश है और दादी से बहुत प्यार करता है। वो अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बड़ा चढ़ाकर बताता है, ठीक है, लेकिन बाद में उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है दादी, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है, वह दादी सुनना अच्छा लगता है और दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहते हैं लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता है, तो अधैर्य है वो, ठीक है। तुम्हारी समझ से स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी को राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। देखो हम भी स्वामी की राय से सहमत है, क्यों? क्योंकि राजम के पापा के पास पुलिस की वर्दी थी, उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे, राजम पढ़ने लिखने में भी होशियार था तो उसने शेर को मारा भी था, तो वो ऊंची चीज ही हुई ना। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, 3-4 वाक्य में लिखना है आपको। देखो स्वामी अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था उसका, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था और अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था।
अब क्या है कहानी और तुम। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन किन बातों से पता चलता है आपको पूछ रहे हैं। देखो तो अब किसी भी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है, शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। देखो हमारे घर के पास एक रौबदार कौन है, पुलिस है तो पुलिस का नाम लिखो, कोई भी अगर आपके आसपास है तो उसका नाम लिखो और फिर बताओ कि आपको रौबदार क्यों लगता है, ठीक है। अगर नहीं है तो अलग बात है। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो, ये पूछ रहे हैं। देखो जब हम अकेले हों या अपने माता पिता से दूर हो तभी हम असुरक्षित महसूस करते हैं ना। तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो, दोस्त के घर में कैसा महसूस करते हो। दोस्त के घर में हम खुशी महसूस करते हैं, हमें उत्साह होता है तो, और अगर हम पहली बार गए होते हो तो थोड़ा अजीब भी लगता है। अब क्या खो, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो अजीब लगता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर, रेलगाड़ी बस के सफ़र पर आप लोग खुशी होते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो, मुख्याध्यापक कमरे में जाते थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। बताओ करो सब मजिस्ट्रेट कौन होता है, क्या वह पुलिस विभाग में होता है। सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है, थाने में कौन कौन से पद होते हैं, उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो, थाने का नाम पद और व्यक्ति का नाम, ठीक है। अब देखो हमारा घर थाना कौन से में आता है, थाने का नाम लिख दो और फिर व्यक्ति का नाम लिख दो कि व्यक्ति कौन है वहाँ के इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर जो भी है। अब फिर उसके बाद दादी का बक्सा, उसका दादी सामान था 5 दरिया 3 चादर लकड़ी का छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी, पहला प्रश्न पूछा है। देखो दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होगी ऑफिस, ठीक है। क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है और किस किस तरह होता है। हाँ हमारे घर में भी इसका इस्तेमाल होता है चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है। तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है। सिक्के कौन कौन सी धातु से बने हो सकते हैं, सिक्के के होते हैं, ठीक है। तांबे से, सोने से, चांदी से, लोहे, पीतल, गिल्ट आदि धातुओं द्वारा बने हो सकते हैं। अब क्या बोला, शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषण और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकते हो। उलझुलूल करना, पहला तुम उलझुलूल मत बोलो, उलझुलूल मतलब ऊटपटांग, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, ठीक है। रूखा स्वर और दोनों का शब्द का यूज़ करना है, ठीक है, वाक्य बनाने में रूखा स्वर। तो हमें रूखे तुम उससे रूखे स्वर में बात मत करो, अपनी वाणी में मिठास भरो, ठीक है। खूंखार डाकू समर्थन, किसका नाम लिख सकते हैं, मंगल सिंह एक खूंखार डाकू है, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूँ, कुछ भी बोल सकते हो। नीचे कहानी के कुछ वाक्यों के अंश दिए गए, इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी, काफ़ी बड़ा दफ्तर, तांबे के सिक्के, अपने सारे सामान, दसवां हिस्सा, उस जैसा महामूर्ख, पुलिस की वर्दी। अब वर्दी क्या है, स्त्रीलिंग है। काफ़ी बड़ा दफ्तर, बड़ा है दफ्तर है, पुलिंग है सिक्के, क्या है सिक्का, क्या है पुलिंग है, सामान क्या है पुलिंग है, महामूर्ख हिस्सा क्या है पुलिंग है, महामूर्ख भी क्या है पुलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।